आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, के वेणुगोपाल जी, मधुसूदन मिस्त्री जी, सभा में मौजूद हमारे नेतागण और कांग्रेस पार्टी के मेरे प्रिय साथियों और मीडिया के मेरे मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस देश के संविधान को बनाने में अपनी आधुनिक भारत को निर्माण, कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। इसके लिए लड़ना हम सबको तैयार होना चाहिए। कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा, यही मेरा अपील है। आज इस अवसर पर कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुमूल्य योगदान के प्रति हृदय से आदर, सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे याद आता है 15 जनवरी 1998 का दिन, जब बेंगलुरु के नेशनल हाईस्कूल मैदान में आपने अपनी पहली जनसभा में कहा था कि मैं कर्नाटक से राजनीति की दीक्षा ले रही हूं। तब से आपने रात दिन निस्वार्थ मेहनत कर कांग्रेस को संभाला है। सोनिया जी हमेशा सच्चाई के राह पर चलती रही। सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करने वालों के इस दौर में त्याग की जो मिसाल उन्होंने कायम की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। उनके नेतृत्व में ही 2 यूपीए की सरकार बनी, तब आम लोगों के हित में एक से एक शानदार काम हुए। मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट लैंड एक्विजिशन, राइट टू फॉरेस्ट राइट्स, जैसे कितने ही कानून आपने बनाया जो सोनिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार की बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। उदयपुर के नवसंकल्प चिंतन शिविर में पार्टी को आगे लाने का
जो ब्लूप्रिंट सोनिया जी के नेतृत्व में तैयार हुआ था उसके लागू करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है। मैं जानता हूं कि ये दौर मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि जैसे लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की थी उसको बदलने की कोशिश आज हो रही है। किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीति का दौर भी आएगा जिसमें झूठ का बोलबाला होगा और सत्ता में बैठे हुक्मरान लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे होंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है और करोड़ों देशवासी उसमें दिल से यकीन करते हैं। ऐसे बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के साथ फॉर्मली जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आइए हम साथ चले। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि ये देश का सब देश के सबके लिए और कांग्रेस की सबकी भलाई इसी में है। कांग्रेस पार्टी 137 वर्षों से लोगों के जीवन का हिस्सा है। हमारे अच्छे काम के बावजूद, हमारे नेताओं के त्याग के बावजूद मतदाता हमसे कुछ रूठ गए हैं। मैं राहुल गांधी जी की आभार मानता हूं जिन्होंने इस बात को समझा और हर मुश्किल को दरकिनार करते हुए वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को सुनकर वो हर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो एनजीओ हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, जर्नलिस्ट हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हो, सभी के साथ रास्ते पे मिलते हैं, उनके पूछते हैं, फिर जब इंटरवल होता है उस वक्त उनसे संवाद भी करते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पार्टी के लिए है और यही बड़ी देन हमारे लिए है, खासकर मेरे लिए है। कन्याकुमारी से कश्मीर की इस भारत जोड़े यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये मेरा दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ काम करने के लिए इस विषय में तैयार हूं। मैं नीचे से काम करते हुए आया हूं, एक प्राइमरी मेंबर्स ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, काम करते करते इस पार्टी को जुड़ा हूं और आपके बीच इस पद पर आकर आज पहुंचा हूं। मैंने खुद हर वर्ष मुश्किल का सामना किया जिसका सामना आम कार्यकर्ता और पार्टी के नेता करते हैं। पार्टी में काम करते हुए जो चुनौतियां आती हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो आशा और निराशा से आप गुजरते हैं, मैं उनसे वाकिफ हूं। इसीलिए मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। आइए हम कांग्रेस की उस विचारधारा को लोगों में लेकर चले जिसे राहुल जी ने अपने कार्यकाल में एक नई धार दी है। हम जानते हैं कि इस देश में करोड़ों युवा जो भारत को धर्म, जाति, जेंडर के बंटवारे से ऊपर देखना चाहते हैं,
जो भारत में शांति चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, वैज्ञानिक सोच चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, ये युवा ही देश की और कांग्रेस की उम्मीद है। उदयपुर नवसंकल्प शिविर में हमने तय किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा, संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। युवाओं की इस उम्मीद को पूरा किया जाएगा आप सभी के कोऑपरेशन से। साथ ही उदयपुर में हमने तय किया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सशक्त किया जाएगा, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज भर दी जाएगी, ये हो के रहेगा। उदयपुर डिक्लेरेशन में पार्टी के निर्णय जो लिया है कि उस चुनाव के तैयारियों के लिए भी पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट और AICC इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, ये आज के समय की एक बड़ी जरूरत है, इसीलिए इन्हें हम तुरंत स्थापित करेंगे। सभी राज्यों में जल्दी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनेगी, कांग्रेस प्रेसिडेंट की मदद से सोशल जस्टिस एडवाइजरी कमेटी और SC ST OBC वर्गों के लिए लीडरशिप मिशन भी हमें कुछ ही दिनों में बनाना होगा। हमें उदयपुर में संकल्प लिया था कि देश में मौजूदा सरकार की अराजकता को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी RSS का सपना है कि ये देश विपक्ष मुक्त हो। वो लोग न्यू इंडिया की बहुत बात करते हैं, पर ये कैसा न्यू इंडिया है जिसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जहां किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अत्याचारियों को सम्मान होते जा रहा है। ये कैसा न्यू इंडिया है जहां जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। भारत की जनता की कमाई और मेहनत से बने हुए सारे पब्लिक सेक्टर्स ये सभी कुछ सरकार बेच रही है, अपने चंद मित्रों के जेब में वो डाल रही है। इस न्यू इंडिया में भूखमरी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, शिक्षा महंगी हो गई है, लेकिन रुपए लुढ़क रहा है। यहां सरकार सो रही है, लेकिन ED, इनकम टैक्स, CBI दमन के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं। उनके इस इंडिया में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शोषित समाज के लोगों को अपमानित किया जाता है, उनके मौके छीने जा रहे हैं। और आज के दिन इसी न्यू इंडिया में झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जा रहा है। यहां गोडसे को देशभक्त बोलते हैं और महात्मा गांधी जी को देशद्रोही बोलते हैं। यहां बाबा साहेब के संविधान को बदलकर संघ के संविधान को लाने की कोशिश हो रही है। इसी न्यू इंडिया को बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के रहते ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हम होने नहीं देंगे और इसको लड़ते रहेंगे। आज मैं खासकर इस मौके पर हमारी पार्टी के नए चुने गए 9000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स, PCC डेलीगेट्स को बहुत बधाई देता हूं।
और उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारी पार्टी के आधार हो, आप जमीन से जुड़े हुए हो और जमीन से करीब हो। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आप हमारे कांग्रेस संगठन के आंख और कान हो। आप अपने अपने ब्लॉक में हमारे पार्टी के 6 करोड़ प्राथमिक सदस्यों के सुख दुख के साथी हो। हमारा एक आम कार्यकर्ता जब मजबूत होता है तभी हमारा केंद्रीय संगठन मजबूत बनता है। टुडे आई वॉन्ट टू कॉल अपॉन माई कांग्रेस फैमिली टू कम टूगेदर टू कैरी द मैसेज ऑफ भारत जोड़ो यात्रा टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, द मैसेज ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, सेफगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कम्युनल हार्मोनी, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ ऑफ इंडिया। Let us tell the people of India that Congress with them in their struggles and aspirations. Tell them that we are going to be their voice and that we will work for India that was envisioned by forefathers who gave their blood and sweat for this great nation. Lastly, I would like to thank the chairman of the Central Election Committee Authority and its members, the Congress Party and this team, providing once again the Congress is the only party that truly has internal democracy and that has been proved in this election very impartially conducted by the chairman of the authority. I once again congratulate him. I also would like to thank CWC members, PCC presidents, CLP leaders and all organizational wings for their support and cooperation that they extended for conducting this election smoothly. In the end, I would like to once again thank our PCC delegates and I want to tell them that you are the foundation of our party. As president, it will be my utmost duty to look after our workers. Together, we will build an India that will be enlightened, empowered and equal for every citizen. Is desh mein संविधान की रक्षा होगी, सबके सम्मान अधिकार की और अवसर की रक्षा होगी, लोगों में नफरत फैलाने वालों को हम हरा के रहेंगे, जनता की आवाज बनेंगे, महंगाई बेरोजगारी भूखमरी से लड़ना होगा, भारतवासियों के भविष्य की रक्षा करनी होगी। आने वाले समय में हिमाचल, गुजरात और अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं। जनता इन राज्यों में बदलाव चाहती है। हमें मजबूती से इनमें अपनी पार्टी का प्रदर्शन करना होगा। आप सभी का सहकार और सभी की मेहनत उसमें लगना चाहिए, तभी हम उसमें यश पाएंगे। हम महात्मा गांधी के सिपाही हैं, हम किसी से डरते नहीं। और जब कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अंदर के डर को निकाल देगा तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी घुटने टेक देगा। तो इसीलिए मुझे एक बार याद आता है, राहुल जी जब लोकसभा में थे एक शब्द हमेशा कहा करते थे, जो भी मुश्किलें हमको आएंगे उसको डरना नहीं। उनका वर्ड ही था डरो मत, और वही डरो मत का स्लोगन हम आगे लेके चलेंगे। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है वो सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे पार्टी के लिए नहीं है, ये आपके भविष्य की लड़ाई है जिसे हम सब मिलकर लड़ेंगे।
और जीतेंगे और यशस्वी इसमें हासिल करेंगे। इतना कहते हुए मेरे चार शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद।